हम वो दिन देखना चाहते हैं कि जब ये हुक्मरान अपने बच्चों को अपने घर वालों को सरकारी स्कूलों के अंदर दाखिल करवाएंगे, फिर समझेंगे कि सिस्टम से स्कूल सिस्टम ठीक हो गया है। जनाब स्पीकर, हाँ मेरे लीडर का ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान के अंदर हुआ, उसे चोट लगी तो उसने शौकत खानम हॉस्पिटल के अंदर उसकी ट्रीटमेंट हुई थी। जनाब स्पीकर, इसको कहते हैं किरदार, इसको कहते हैं कोलोफेल में तजाद नहीं है। आपके कोलोफेल के अंदर हमेशा से तजाद रहा है। जनाब स्पीकर, आपने जाति उम्रा के महल्लात को तहफ्फुज फराहम करने के लिए अवाम के खून पसीने की कमाई से 70 करोड़ रुपए से 4 दीवारी कैमरे और फ्लड लाइटें लगाई हैं। कल वो वजीर आजम नहीं होंगे तो उस 4 दीवारी के पैसे कौन देगा? उस रेड़ी वाले के खून पसीने की कमाई है, उस हजाम की, उस मोची की, उस किसान की, उस जिम्मेदार की, उसकी खून पसीने की कमाई है। और ये खुश होते हैं, ये खुश होते हैं कि जनाब हमें बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया है। जनाब स्पीकर, हर वो रास्ता जो जाति उमरा जाता है वहां रिंग रोड भी बन रही है, वहां पर वाटर सप्लाई भी चली गई, वहां पर सीवरेज भी चला गया, वहां पर सड़कें भी चली गई, सिर्फ और सिर्फ अपनी जाति जायदाद को महंगा करने के लिए। और हमारे इलाके में पीने को पानी नहीं है, यहां से 2 मिनट का फासला है जनाब स्पीकर, 2 मिनट के फासले पर आए मैं आपको बताऊं कि वहां पर सड़कों की क्या सूरत हाल है, वहां पर स्कूलों की क्या सूरत हाल है। आप जनूबी पंजाब वाले नहीं रोना रोते, हम भी रोना रो रहे हैं जनाब स्पीकर। वो पैसे करप्शन की नजर हो रहे हैं। मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि दिल पर हाथ रखकर बताएं, ये पिछले बजट की मैं कॉपी पढ़ा, दिल पर हाथ रख के बताएं कि वजीर आला साहब ने जो ज्यादा वो उन्होंने बनाया था, एस्टीमेट बनाया था, उसको कट कर दिया। भी एस्टीमेट किसने बनाया था? आपके डिपार्टमेंट ने बनाया था। वो चोर बाजारी के साथ, चोर चोरों के साथ रले हुए हैं जनाब स्पीकर, डाकू डाकुओं के साथ रले हुए। एक चीज एक बंदे को 1 रुपए में बढ़ती है, 8 में की कैसे आपको दे सकता है जनाब जी? उन्होंने बड़ी बचत की है। क्या बचत की है उन्होंने? उन्होंने जनाब इस गरीब आवाम का पैसा चुराया। और मैं जनाब स्पीकर यहां पर ये मैं बात बताता चलूं आपको कि सेहत के हवाले से भी आप देख लें हॉस्पिटल के अंदर लोगों की क्या सूरत हाल है। जनाब स्पीकर, क्योंकि टाइम आपने बेल बजा दी, मैं आखिर पर एक बात, ये नई बसों की बात कर रहे हैं, जाकर देखें गरीब आदमी को कार्ड बनाने पर खाली बसें चल रही हैं, 2 महीने के उनके पैसे बन रहे हैं और वो पैसे बना के जेब में डाल रहे हैं। इन्हें क्या बताओ, कभी ये जाए ना मिनिस्टर साहबा और दूसरे मिनिस्टर जाए ना जाके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाके देखे क्या सूरत हाल है। अपनों को नवाजने के लिए आप क्या कर रहे हैं? जनाब स्पीकर, अमन अमान के हवाले से सिर्फ एक बात करूंगा। यहाँ पर एक मिनिस्टर साहब ने बड़ी बातें की कि जनाब देखें हमने औरतों का एम्पावर किया है, औरतों को हमने जनाब देखें वो बजट पेश कर रही हैं, जनाब पूरी दुनिया में इमेज गया है। मुझे बताएं आपका इमेज उस वक्त किधर गया था जब मॉडल टाउन के अंदर आपने हमला औरतों के मुंह पे गोलियां मारी थी? उस वक्त आपका जमीर किधर था? याद रखें जनाब स्पीकर, एक JIT इस्लामाबाद की हो रही है, उस JIT के बाद उन शोहदा का खून बोलेगा जो मॉडल टाउन के अंदर आपने कत्ल किया है। और बात मोहतरमा नबीरान दलीप साहबा, नबीरान दलीप साहब, मोहतरमा नबीरान दलीप साहबा, नो 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 क्रॉस टॉक, खामोशी इख्तियार करें मोहतरमा नबीरान दलीप साहबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसिफ साहब खामोश हो जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि। पंजाब असेंबली।